मसीही समाज के लोगों द्वारा चर्च और पादरियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर दुर्ग कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मसीही समाज के चर्चेज में हमला और पादरियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत को लेकर दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और दुर्ग एसपी से मुलाकात कर मसीही समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि आगामी क्रिसमस और नववर्ष का पर्व मनाने की सुरक्षा की मांग की। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे, अपनी फरियाद लगाई और लगातार हो रहे चर्चों में हमले को लेकर शिकायत की। साथ ही उन्होंने आने वाले 25 दिसंबर और नववर्ष मनाए जाने पर सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की। वहीं दुर्ग एसपी से चर्चा कर उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष के लोग चर्चेस में घुसकर महिला और बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बजरंग दल ने भी मसीही समाज पर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाते हुए अपनी सभा से हिंदुओं को दूर रखने की चेतावनी दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर पत्रकारों से बात करते हुए यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और हमारा संविधान हमें किसी भी धर्म स्थल में जाने की अनुमति देता है। लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर किसी भी धर्म स्थल में जा सकते हैं। बीते दिनों रविवार को एक घटना घटी आशा नगर में, और वहाँ एक चर्च के ऊपर में विरोधी तत्व के लोगों ने हमला किया, और उसी समय पुलिस दल वहाँ पर पहुँचे और मोहन नगर थाना में जाकर बैठक हुई, और वहाँ पर धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा आरोप मसीहों और ईसाइयों के ऊपर में लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्मांतरण का एक प्रोसेस है जो कि कलेक्टर भवन में एक प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारा देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थल में जाने की पूरी आज़ादी और स्वतंत्रता दी गई है। लोग अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के द्वारा किसी भी जगह में जा सकते हैं। तो कई ऐसे हिंदू वर्ग के लोग हैं जो चर्च में आकर के शांति पाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, और इसी बात को लेकर के विरोधी तत्व के लोग एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदू चर्च में क्यों जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम किसी को बुलाने नहीं जाते, लोग अपनी श्रद्धा से विश्वास से चर्च में आते हैं, शांति पाते हैं, और ये संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है। इसी बात को हमने वहाँ पर रखा है थाने में भी, और उसी बात को लेकर के आज हम SDM साहब, कलेक्टर साहब से मिले हैं जी। किसी को भी प्रलोभन नहीं दिया जाता है, ना पैसे से ना किसी वस्तु से, किसी को लालच नहीं दिया जाता है। लालच दे करके यदि किसी का धर्मांतरण किया जा सकता था तो छत्तीसगढ़ पूरा आज एक ईसाई राज्य बन जाता। ये कई दिनों से, कई सालों से आरोप लग रहा है, किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी लालच और कोई भी दबाव प्रलोभन नहीं दिया जाता है। लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही आते हैं, और उनका विश्वास है, उनकी श्रद्धा है, और वो शांति पाने के लिए आते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमें संविधान पर और हमारे राज्य शासन के ऊपर में पूरा विश्वास है, प्रशासन के ऊपर में हमको पूरा विश्वास है, और कोई भी कार्य कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होती है तो वो उसका सही प्रतिफल, एक रिजल्ट आता है। हमें विश्वास है कि जो बातें, शिकायतें हमने प्रशासन के माध्यम में किया है तो उसका अच्छा प्रतिफल हमको मिलेगा, शासन इसको गंभीरता से लेंगे। और इसके बावजूद भी हम मसीह समाज की ओर से कहना चाहते हैं कि हम तो सबके लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, सबके लिए आशीष मांगते हैं, अपने अधिकारियों के लिए, राज्य के लिए, प्रधानमंत्री साहब के लिए, राष्ट्रपति महोदय के लिए, पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। फिर भी यदि हमें ऐसा ज़रूरत पड़ा तो एक शांति धरना हम ज़रूर मसीह समाज की ओर से यहाँ पर देना चाहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट।